दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट महामुकाबले में दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के सामने पूरी इंग्लैंड टीम ढेर हो गई। शानदार तूफानी 6 विकेट लेकर पूरी इंग्लैंड टीम को कुचल कर रख दिया। तो उसके बाद अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का एक बड़ा बयान आया है, जहां उन्होंने अपना बड़ा बयान देते हुए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजी को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है, साथ साथ रोहित शर्मा के बारे में ऐसा कुछ कहा है कि सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी बेन स्टोक्स की तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसे में आखिरकार भारतीय शानदार प्रदर्शन के बाद और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा है, उनके शानदार बयान का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा टेस्ट महामुकाबला बड़े अंतर से जीत पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेली जाने वाली इस टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट महामुकाबले में हैदराबाद में इंग्लैंड ने खतरनाक प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीता हुआ महामुकाबला 28 रन से हराकर इतिहास रच दिया था। मगर जब टेस्ट सीरीज में दूसरे मुकाबले की बारी विशाखापट्टनम में आई, भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और पहले शानदार बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई, कोई बल्लेबाज कुछ बड़ा खुश नहीं कर पा रहा था। अकेले 290 गेंदों में 209 रन की पारी खेलने वाले एसएजएस वाले पूरी भारतीय पारी को संभाल लिया और भारतीय पारी ने पहली पारी में दूसरे दिन ही 396 रन पर अपने सभी विकेट खो दिए थे। ऐसे में 397 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकेट ने शानदार शुरुआत करने की कोशिश की। पहले विकेट के लिए इन दोनों के बीच में 59 रन की शानदार साझेदारी हुई थी, मगर इसके बाद कुलदीप यादव ने आकर बेन डकेट का विकेट ले लिया और इंग्लैंड को पहला झटका दिया। इसके बाद तो फिर जैक क्रॉली को अक्षर पटेल ने 76 रन के स्कोर पर आउट कर दिया था और फिर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का तूफान आता है। एक के बाद एक सभी विकेट झटक कर इंग्लैंड टीम को 253 पर ऑल आउट कर दिया। इस महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की गेंदबाजी की वह बेहद ज्यादा घातक रही। यॉर्कर इतनी शानदार जा रही थी कि विकेट उड़ते हुए नजर आए। कप्तान बेन स्टोक्स को तो इस तरीके से आउट किया था कि उन्होंने तो घबराकर बल्ला छोड़ दिया था और देखने लायक मंजर था। इस महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 15.5 ओवर गेंदबाजी की, 5 मैडन डाले, 45 रन देकर 6 विकेट लिए और यह शानदार प्रदर्शन रहा। 150 विकेट उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 17 ओवर में 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। 143 रन की लीड भारतीय टीम ने पहली पारी में हासिल कर ली थी। इसके जवाब में भारतीय टीम दूसरे दिन उतर चुकी है, मगर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए। इसकी शानदार गेंदबाजी देकर अब इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स भौंचक के रह गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बहुत कुछ कहा। जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स ने अपने बड़े बयान में कहा है कि भारतीय टीम की गेंदबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में हारने के बाद इस तरीके से प्रदर्शन दूसरे टेस्ट में किया है वह सच में तारीफ करने योग्य है। मैं मानता हूं भारतीय टीम एक मजबूत टीम है, उसके साथ विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी कप्तानी करके उसने दिखा दिया कि शानदार कप्तानी अगर हो तो आप किसी भी टीम से शानदार प्रदर्शन निकलवा सकते हैं। आज इस पिच पर हमको लग रहा था स्पिनर्स चलेंगे, इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भी अच्छा काम किया था, मगर भारतीय स्पिनर्स ने शुरुआत में विकेट दिलाए। उसके बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बारी आई तो उसने जिस तरीके से आज यॉर्कर और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की है उसकी स्पीड भी इस पिच पर अच्छी थी। तो ऐसे में वह देखने लायक मंजर था। भारत को भारत में टक्कर देना असंभव होता है, मगर मैं अपनी कप्तानी में देख पा रहा हूँ। पिछले महामुकाबले में जब बुमराह ने मुझे आउट किया था वह भी एक देखने लायक मौका था, मगर इस मैच में जब उसने मुझे आउट किया तो मैं सच में भौचक कर रह गया। उसकी गेंद जिस तरीके से स्विंग होकर आई उसको मैं समझ नहीं पाया। मैं इतना उस समय घबरा गया था कि मेरे हाथ से बल्ला छूट गया था। मैं मानता हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ और हमारी टीम अच्छी टीम है, मगर भारतीय गेंदबाजी के सामने आज हम फैल हुए हैं। हमको अपने हमारी गलतियों से बहुत कुछ सीखना होगा और हम दूसरी पारी में वापसी करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं इस महामुकाबले में हमारे हाथ से यह मुकाबला निकल गया है, मगर भारतीय टीम यह ना भूले कि पिछले मैच में 190 रन की लीड लेने के बावजूद भी हमसे हार गई थी। इस मैच में तो 143 रन की लीड है। हम दूसरी पारी में वापसी करेंगे और अपनी शानदार प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम को हराएंगे, साथ साथ इस टेस्ट श्रृंखला को अपने नाम करेंगे। दोस्तों यह तो बेन स्टोक्स का बड़ा बयान है, मगर आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को बेन स्टोक्स कप्तानी में इंग्लैंड हरा पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए सब्सक्राइब कीजिए।